मैक्स हॉस्पिटल वैशाली ने मुरादाबाद में लॉन्च की गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की ओपीडी सेवा। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली गाजियाबाद ने आज मुरादाबाद स्थित मैक्स मेड सेंटर में अपनी एक्सक्लूसिव गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ओपीडी की शुरुआत की। इस मौके पर मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर पवित्रा साहू मौजूद रहे। डॉक्टर पवित्रा हर महीने के तीसरे गुरुवार को दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक परामर्श के लिए यहां उपलब्ध रहेंगे। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ओपीडी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज के डायग्नोज, इलाज और मैनेजमेंट के लिए व्यापक डायग्नोस्टिक, थेराप्यूटिक और परामर्श से जुड़ी सेवाएं प्रदान करेगा। मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर पवित्रा साहू ने कहा, लिवर डिजीज, पेंक्रियाटिक और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से जुड़ी समस्याएं, फैटी लिवर और हेपेटाइटिस खतरनाक दर से बढ़ रहे हैं। इनमें से ज्यादातर मामले शुरुआती स्टेज पर डायग्नोज होने पर रोकथाम और इलाज के योग्य हैं। खराब सैनिटेशन, स्वच्छ पानी की कमी और हाई एंडेमिसिटी वाले इलाकों में जाने जैसे रिस्क फैक्टर की चपेट में आने से हेपेटाइटिस बी और सी जैसे लिवर की बीमारियां विकसित हो जाती हैं। इसलिए शुरुआती स्टेज की लिवर डिजीज का डायग्नोज और सही रणनीतियों के साथ इलाज महत्वपूर्ण है अगर लिवर डैमेज की कंडीशन दोबारा ना आई हो। ये स्पेशल ओपीडी सेवा मुरादाबाद में शुरू होने से स्थानीय मरीजों को अब एक्सपर्ट्स नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए बड़े शहरों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। आज मैक्स में किस मुद्दे को लेकर ये प्रेस वार्ता की गई? मैक्स वैशाली से मुरादाबाद का जो सेंटर है, मैक्स का सेंटर है, वहाँ पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग का ओपीडी स्टार्ट हो रहा है। आज इनॉग्रेशन है, इसके लिए ये प्रेस वार्ता अरेंज किया गया है। जो अभी से मंथ के एवरी टू थर्सडे पे, इनिशियली थर्ड थर्सडे, यहाँ पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ओपीडी होगा, जहाँ पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के डॉक्टर होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ही हूँगा, मैं डॉक्टर पवित्र साहू सीनियर कंसल्टेंट मैक्स वैशाली में हूँ। यहाँ पे सारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज, लीवर डिजीज और भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम रिलेटेड जो भी रोग संबंधित चीज़ों का इलाज होगा, पेशेंट कंसल्ट कर सकते हैं इधर। इधर कंसल्टेशन के बेसिस पे पेशेंट को इवैल्यूएशन और पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ये आज से स्टार्ट हो रहा है, आज इनॉग्रेशन है, इसलिए। सर, कैंसर से संबंधित भी आपने कोई अभी बात कही थी? गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एक बड़ा सा विभाग है जिसमें हमारा लीवर डिजीजेस आते हैं, लीवर के रोग, पैंक्रियास के रोग, हमारे जो खाने की नली है, इंटेस्टिन, स्टोमक, हमारे लार्ज इंटेस्टिन, कोलोन, इन सब का रोग, इन सब का कैंसर भी उसमें आते हैं। तो लीवर के कैंसर, हमारा खाने की नली पे कोई कैंसर, कोलोन के कैंसर, पैंक्रियास के कैंसर, इस सब सम बीमारियों का यहाँ पे जांच होगा, इलाज होगा, पेशेंट कंसल्ट कर सकते हैं इस सारे रोगों के विषय में। सर, देखने को मिला है कि ज़्यादातर जो इस वक्त जो केसेस आ रहे हैं वो लीवर में प्रॉब्लम चल रही है ज़्यादातर लोगों को, तो क्या वजह है? लीवर प्रॉब्लम जैसे फैटी लीवर डिजीज़ काफ़ी बढ़ रहा है, वो इसलिए है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा फूड हैबिट्स बहुत चेंज हो रहा है, तो इस वजह से फैटी लीवर डिजीज़ का जो प्रीवेलेंस है वो काफ़ी बढ़ गया है। इंडिया में अभी लगभग 4 में से 1 लोगों का फैटी लीवर निकलता है, तो एक वो विषय है जहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। दूसरा, इस एरिया में खास करके वायरल हेपेटाइटिस काफ़ी प्रीवेलेंट है। वायरल हेपेटाइटिस जैसे हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस, ये सब खाना और पानी से फैलते हैं, इस सब के भी काफ़ी इंसिडेंस बढ़ा है। तो उस बारे में भी हम पेशेंट को सूचना देंगे, क्या क्या प्रतिरोध के लिए कर सकते हैं इस सब बारे में बात करेंगे, ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है इस तरह की लीवर डिजीज़ के, वायरल हेपेटाइटिस के, इस सब बारे में बात करेंगे।